गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो लास्ट डे हम लोग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और आफ्टर दैट हम लोग क्या किए थे, कैशबुक, ट्रिपल कॉलम कैशबुक तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, राइट? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, आज हम लोग न्यू चैप्टर में जा रहे हैं, दैट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, कोई मुझे बताएगा रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है? Forget about bank, forget about statement. Only the word is reconciliation. What is the meaning of reconciliation? Anyone? Please know. Reconciliation माने क्या? कारों ही बोलता है ना, छोटे Okay, very good. Adjust करा. एक बार कितना कोड चेक करा? Very good. तो दुटो books थक में अलग करे ताते कितना कोड balance करा? आपका सबका ओवरव्यू मुझे मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, रेक्टिफिकेशन तो ये नहीं है, रेक्टिफिकेशन एक अलग चीज होता है, टोटली एक अलग चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन मीन्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां पे एरर होता है वहां रेक्टिफाई किया जाता है, जहां गलती होती है वहां पे सुधार किया जाता है। एंड रिकनसाइल करना मीन्स मैचिंग, संशोधन करा, क्यों बोले छिलो दे आर राइट, मैचिंग करा। दुटो बुक्स थकबे एक्जन बोल छिलो, दुटो कोई दोनों कोई कोई दोनों अकाउंट रहेगा या बुक्स रहेगा या स्टेटमेंट, दो अलग अलग रहेंगे और दोनों को मैच करना। वेरी गुड। मैं एग्जांपल देता हूं। ओके, जैसे कि आप लोग रिलेशनशिप में तो गए होंगे कभी ना कभी। यस सर। अच्छा, कहां थे आप सर? ओके, तो सपोज दिस इज योर गर्लफ्रेंड एंड दिस इज बॉयफ्रेंड। ओके गर्ल्स, दिस इज योर बॉयफ्रेंड एंड दिस इज यू। ओके, मींस मेरे लेफ्ट हैंड में गर्लफ्रेंड है, राइट हैंड में बॉयफ्रेंड है। ओके, अब कभी कभी लाइफ में होता क्या है, सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर गलती या मिस्टेक्स ऐसा कुछ जो कि बॉयफ्रेंड के तरफ से हो, ऐसा हो तो एडजस्ट कौन करेगा? बॉयफ्रेंड ही करेगा। गलती है भाई, अपना गलती सुधार करेगा। अच्छा, गलती कभी इस टाइप का हो जाता है, ऐसा हो गया है तो मिसमैचेस आ गया ना दोनों के थॉट पे, तो क्या होगा, सुधार कौन करेगा? बॉयफ्रेंड। अगेन गलती कहीं गर्लफ्रेंड ने किया, एडजस्ट कौन करेगा? बॉयफ्रेंड। कौन करेगा? बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड? बॉयफ्रेंड। अरे आप लोग सब क्या किए हुए हो, बॉयफ्रेंड करेगा। वेरी गुड। और अगर गलती अगेन फिर कोई गर्लफ्रेंड की हो, इस साइड ऐसे कुछ डाउन की तरफ, बॉयफ्रेंड एडजस्टमेंट कौन करेगा? बॉयफ्रेंड ही करेगा। वेरी गुड, बॉयफ्रेंड ही करेगा। मतलब गलती किसी की भी हो, एडजस्ट कौन करेगा? बॉयफ्रेंड। अच्छा, यहाँ पे गलती में वर्ड ऐसे बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पे थॉट का मिसमैचेस है। जैसे कि जस्ट लाइक क्या कि गर्लफ्रेंड बोल रही है यार आपका हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, आप फ्रेंड लोग के साथ बहुत ज्यादा टाइम देते हो, मेरे को टाइम नहीं देते, मेरे को घुमाने नहीं देते हो। बॉयफ्रेंड बोल रहा है मैं तो जॉब करता हूँ, ऑफिस है, ये है, वो है, तुम भी कहीं ज्वाइन कर लो, तुम भी बिजी हो जाओगे। तो यहाँ पे थॉट्स का मिसमैचेस है, राइट? तो गलती किसी की नहीं है, बट थॉट का मिसमैचेस है और दोनों में डिफरेंसेस आ जा रहे हैं। बॉयफ्रेंड कुछ और बोल रहा है, गर्लफ्रेंड कुछ और बोल रही है। यहाँ पे बॉयफ्रेंड बोल रहा है आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, आप ठीक से बात नहीं करते हो आप, तो ऐसा करके कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, दोनों के थॉट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट गलती यहां पे किसी की नहीं है, गलती यहां पे किसी की नहीं है। तो प्लीज अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पे अगर गलती होती तो होती वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां पे एरर है, गलती है, वहां रेक्टिफाई किया जाता है, जहां पे गलती है ही नहीं, बट दोनों ही अपने अपने जगह में सही है, फिर भी कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस है, तो वहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं जहां पे ये बताते हैं कि अगर वो बंदा या वो बॉयफ्रेंड अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दे अकॉर्डिंग टू हिज गर्लफ्रेंड, तो वो दोनों का थॉट क्या होगा?
अगर वो गर्लफ्रेंड अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू हर बॉयफ्रेंड, तो उन लोग का डिफरेंसेस थॉट्स जो चेंजेस जो डिफरेंसेस है वो क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा और दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, बहुत स्मूथली राइट, मतलब दोनों का जो डिफरेंसेस या थॉट है वो इक्वल इक्वल में आ जाएगा। तो वो जो रीजन फाइंड आउट करके जो लिखते हैं एक स्टेटमेंट फॉर्म में, जो कि कोई अकाउंटिंग नहीं है, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लोग बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं बैंक कॉलम में, ओके, और बैंक सेम हम जिस बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं वो बैंक मेरे नाम में अकाउंट क्रिएट करके अकाउंटिंग करता है, जो अपना अकाउंटिंग हमें बैंक स्टेटमेंट के थ्रू या पासबुक के थ्रू हमें मिलता है। अब जो बैंक हमारे नाम का अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जो हमको बैंक स्टेटमेंट में पता चलता है, और जो हम अपने पास या तो मैनुअली या तो टैली या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मैनेज करते हैं, वो लेजर निकालते हैं बैंक लेजर, और दोनों में देखते हैं कि कुछ बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डिफरेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डिफरेंस है। तो हम लोग बहुत वरीड हो जाता है कि क्या गलती है, क्या गलती है। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि सर ये गलती है या फिर दोनों ही सही है। जैसे मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, हमने चेक इश्यू कर दिया, तो हमने अपना बैंक में बैलेंस क्रेडिट कर दिया अपने लेजर में, ठीक है, बैंक का बैलेंस कमा दिया, क्लियर। अब जिसको हमने चेक दिया वो बहुत अमीर इंसान है, वो दो एक दो महीना चेक डाला ही नहीं बैंक में, क्लियरेंस के लिए डाला ही नहीं, तो हमारे बैंकर को पता नहीं है कि आपने किसको चेक दिया या फिर कितने का चेक दिया। तो बैंक में जब तक वो चेक पड़ता नहीं है, वो बंदा देता नहीं है, तब तक बैंक तो अपने अकाउंट में कुछ नहीं करेगा। अब मान लीजिए मैंने किसी को 20,000 का चेक दिया, वहां पे वो 20,000 का चेक पड़ा नहीं है, तो हमने तो 20,000 का बैलेंस कमा दिया, बट बैंक में क्या वो बैलेंस कमेगा नहीं। अब बताइए इसका मैसेज डिफरेंस आएगा 20,000 का। मैं अगर आपसे ये पूछूं गलती किसकी है, किसी की नहीं सर, हमने चेक दिया, हमने एंट्री मारा, मेरी कोई गलती है, मेरी कोई गलती है नहीं है ना। बैंक को चेक मिला नहीं, उसने एंट्री नहीं मारा, उसकी कोई गलती है नहीं है ना। तो यहां पर हम लोग एक स्टेटमेंट फॉर्म में बताएंगे कि जो हमने चेक डाला है वो चेक अगर उसका एंट्री अगर हो जाता है, मतलब एड या लेस के थ्रू हम लोग बताते हैं स्टेटमेंट में, तो हमारा बैलेंस जो है मिसमैचेस नहीं होता, ये 20,000 की वजह से हम लोग दोनों का बैलेंस डिफरेंट है, क्लियर। चलिए हम लोग एक सम्स में आते हैं, सम्स में और क्लियरेंस के साथ हम लोग पढ़ पाएंगे। आप आ जाइए पेज नंबर 97 प्लीज, पेज नंबर 97 मिसेस किसान ट्रेडिंग कंपनी राइट, मिला सबको, आ जाइए। फॉर्मेट बता दूं मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन आप डेट दे दोगे कि लाइक 31 मार्च में कर दे रहा हूं, अच्छा सॉरी हम बुक में तो डेट होगा 30th अप्रैल 2019 पर्टिकुलर्स अमाउंट particulars amount in rupees यहां पर बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड या बैलेंस एज पर कैश बुक, यहां पे जो हम लोग लेफ्ट हैंड में गर्लफ्रेंड और राइट हैंड में बॉयफ्रेंड को रखा था, बॉयफ्रेंड मीन्स आप हो कैश बुक हो, और जो बैंक है वो रिजिट है, बैंक को हमने फिक्स रखा है। हम उल्टा भी कर सकते हैं बट हम किसी एक थॉट को लेकर चल रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं कि हमने रिजिट किसको रखा है, बैंक को, क्योंकि बैंक को हम चेंज नहीं कर सकते, एड्रेस नहीं कर सकते, इस सोच ये चीज सोच के हम लोग बैंक को फिक्स रखे हैं और राइट हैंड में खुद को रखे हैं, और बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक अकाउंट जो भी बोल सकते हैं वो हम लोग यहां पे लिखेंगे फर्स्ट में। यहां पर लिखू मैं बैंक कॉलम, फेसबुक का दो कॉलम होता है, ठीक है।
आप में से कोई बताइएगा मुझे इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? प्लीज मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे बताएं। 156,502.56 वेरी गुड 156,502.50 ओके। और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट ऐड होंगे, कुछ लेस होंगे, या फिर पूरा का पूरा ऐड होंगे, पूरा का पूरा लेस होंगे, आई डोंट नो। हम लोग सम्स पढ़ेंगे और देखेंगे क्या ऐड लेस होता है। मैं एक एग्जांपल आप लोग को दूंगा, आगे आप लोग कीजिएगा ओके। एक काम कीजिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोनों में मैच करेंगे। पेंसिल लीजिए और आपके पास देखिए आपके बुक में एक तरफ आपका कैशबुक है और दूसरे तरफ आपका बैंक स्टेटमेंट है। प्लीज पेंसिल से टिक टिक कीजिए जो अमाउंट्स मैच कर जा रहे हैं, जो अमाउंट्स जो एंट्री दोनों साइड में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि जो दोनों साइड में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो हम लोगों का डिफरेंसेस की वजह नहीं है। डिफरेंसेस की वजह वो है जो हमको दोनों साइड में नहीं मिल रहा है। चलिए पहले हम टिक करें, पेंसिल लीजिए। हो जाएगा तो प्लीज बोलिएगा, मुझे पता है आप लोग बहुत फास्ट हो। बैलेंस मैच नहीं करवाना है, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस प्लीज मैच मत करवा लीजिएगा, एंट्रीज मैच करवाइएगा और एंट्रीज के अमाउंट में लिख दीजिएगा। किसेस का हो गया है, बाकी लोग भी कर लीजिए फटाफट। देन चलिए अब जो जो मैच नहीं किया उसको पेंसिल से सर्कल कर दीजिए उस अमाउंट पे, जो एक साइड है दूसरे साइड नहीं है, सर्कल कीजिए प्लीज। हम लोग को दिमाग में इतना रखना है जो सर्कल हुआ है ना वही इस दोनों के डिफरेंसेस का वजह है। हम लोग एक बार बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 177,391.50 राइट। देखिए दोनों में डिफरेंसेस है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो कैशबुक का है और जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो बैंक स्टेटमेंट का, वो दोनों में डिफरेंसेस है। चलिए देखते हैं, पता करते हैं क्या क्या रीजन है और वो रीजन सही है या नहीं। फर्स्ट सर्कल मुझे बताइएगा जो मिसमैच है, न्यू गोल्ड फर्नीचर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगेन ये पेमेंट साइड में दिख रहा है तो कौन सा इस साइड को मैं क्या करूं, लेस किया हुआ है या बढ़ाया हुआ है? लेस किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे रिकंस्ट्रक्शन के टाइम में? ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऊपर लिख दो 1269 आ जाते हैं हम लोग। और कुछ एडजस्टमेंट है कैशबुक में? कैशबुक में नहीं, कैशबुक में नहीं। ओके आ जाइए बैंक स्टेटमेंट में। चलिए बताइए कौन सा फर्स्ट सर्कल जो मैच नहीं किए हैं? क्लियर भी 3-4 बाय अमाउंट बताइए, अमाउंट बताइए 18,000 कितना? 18,000 सही बोल रहा है ये, प्लीज चेक कर लीजिएगा। डिपॉजिट अच्छा उसके ऊपर बोलिए कितना अमाउंट सर देखिए पहले आप लोग कुछ भी सीखे हो, डेबिट होगा तो ऐड करना, क्रेडिट होगा तो, प्लीज मैं ये रटने वाला चीज नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि हम जो डेबिट करते हैं अपने अकाउंट में बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है, तो कैसे सेम हो सकता है? आप ये डेबिट डेटा का चक्कर छोड़ दीजिए, मैं बहुत इजी फंडा सिखाया हूं, एकदम नॉर्मल सा बच्चों का खेल सिखाया हूं, मैं एकदम इजीली सिखाया हूं।
अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज हमसे पूछिए, हम समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि डेबिट होगा तो ऐड कीजिएगा, तो आप पूछ नहीं सकते कि क्रेडिट हुआ तो क्यों लेस हुआ, ये तो कोई लॉजिक नहीं होता। ये तो लॉजिक है ही नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग ऐड लेस का कंसेप्ट सीख रहे हैं, डेबिट का कंसेप्ट सीख नहीं रहे। ये अकाउंट है भी नहीं, पहले ही बता रहे हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट, हमको समझ के ऐड और लेस करना है। ठीक है, बताएं नहीं मुझे स्टेटमेंट में सर्कल कौन सा, फर्स्ट सर्कल प्लीज। हाँ तो 18,000 सर। 18,000 तो आप लोग नाना क्यों कर रहे थे अभी? नहीं सर, हम तो बोल रहे थे। चलिए 18,000 वो सही बोल रहा है सूरज, तो आ जाते हैं हम लोग 18,000 किस साइड में, डिपॉजिट साइड में। तो ये कहाँ दिख रहा है, इस साथ में या इस साथ में? इस साथ में, मेरे लेफ्ट हैंड में। ओके, तो 18,000 डिपॉजिट दिख रहा है, डिपॉजिट मीन्स ये बढ़ गया या कम गया है? बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब गलती किसने की है? एडजस्ट करेगा बॉयफ्रेंड, तो हम क्या करेंगे? ऐड। चलिए, क्या नाम था? रिलायंस डिविडेंड। ओके, 266 अगेन, ये भी डिपॉजिट में। तो क्या हुआ ये, प्लीज आप लोग करके दिखाइए मुझे, बताइए आप लोग। बैंक बढ़ गया, कैश बुक बढ़ाना है, प्लीज लास्ट बेंच बात कर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। कितना अमाउंट? 266। और कोई सर्कल? नहीं सर। डन, सारा कंप्लीट। मतलब लेस में कुछ नहीं है? हाँ सर, लेस में है। मतलब सर्कल और कुछ है यहाँ पर? हाँ सर, लेस में है। हाँ तो बोलिए, लेस में है। बताइए और कोई सर्कल में, बताइए क्या है? अमाउंट बताइए प्लीज सर। 7153। अच्छा, ये विड्रॉल के साइड में है, डिसऑनर हुआ थे तो विड्रॉल के साइड में दिख रहा है, तो ये वाला कम गया है या बढ़ गया है? कम गया है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को? लेस करना पड़ेगा, राइट? तो चलिए लेस में डालते हैं। हाँ, ये बताइए वी एयर क्या था? V26। DSHNR। डिसऑनर। अमाउंट बताइएगा? 7153। 7153। अगेन नेक्स्ट, वेयर डिसऑनर चार्ज है सर? ओके, उसी का चार्जेस है। हाँ सर, 120। अगेन ये भी तो क्या होगा, लेस होना चाहिए सर। 120। हाँ सर, उसके बाद बताइए नेक्स्ट। ओएस क्लियरिंग है सर, क्लियरिंग चार्जेस। हाँ, 48। तो ये क्या होगा बताइए? लेस होगा सर। लेस होगा? हाँ सर। सिर्फ सूरज आंसर दे रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? ओके, अब मैं आप लोग से पूछता हूँ, कितना अमाउंट बताइएगा? 48। नेक्स्ट सर्कल कुछ है आपको? आप बताइए, आप बताइए नेक्स्ट सर्कल कुछ है? 50 बैंक चार्जेस, क्या करेंगे प्लीज हाथ से बताइएगा? तो सर लेस होगा। ये भी लेस होगा? क्या है बैंक चार्जेस? चेकबुक चार्जेस। चेकबुक चार्जेस, फिफ्टी। नेक्स्ट आप बताइएगा प्लीज। और कोई सर्कल नहीं है? डन सारा। ओके गुड, चलिए आ जाते हैं हम लोग एड करना। इस चारों को एड वाले को सारे इकट्ठा करके यहाँ पे डालिए। 2860। हाँ, 2862 एंड ये सारे लेस वाले बैठ गए। 7371। दिस प्लस दिस माइनस दिस 177391। 177391.5। अच्छा एक बार चेक कीजिए, यही बैलेंस का बैंक बैलेंस शीट, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है स्टेटमेंट में? 177391.5। वेरी गुड, तो हमारा बैलेंस ही मैच कर गया। ये सारे डिफरेंसेस की वजह थे, अगर ये सारा नहीं होता तो ये अमाउंट सेम होता। क्लियर? तो इस लास्ट लाइन का नाम क्या देंगे? जिस तरह फर्स्ट बैलेंस का नाम था बैलेंस एज पर कैश बुक, हम लोग यहाँ पे नाम देंगे बैलेंस एज पर बैंक। वेरी गुड, बैलेंस बैंक स्टेटमेंट एज पर बैंक स्टेटमेंट।
और हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सही हो गया। यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है, जब बैंक रिकंसिलिएशन हम लोग करते हैं तो वो हम लोग सही किए या गलत इंस्टेंटली पता चल जाता है सैमसंग, क्योंकि हम लोग को आंसर क्रॉस चेक करने का मौका मिलता है। राइट, समझ में आया सबको? कैसा लगा? पूरा क्लियर हुआ ना? अच्छा, किसको किसको बैंक स्टेटमेंट बीआरएस से डर लगता था? डर लगता था, काफी लोग हैं ऐसा। अच्छा, काफी लोग हैं। तो अब डर लगेगा ये डांस सीखने के बाद? नहीं सर, डांस करना एग्जाम हॉल में बैठ के या जब जॉब कर रहे हो मैं डांस करना स्टार्ट कर देना, जब बॉस पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हो? बीआरएस कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू।